मेरी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिनसे निजात पाना बहुत ही मुश्किल था। एक घड़ी ऐसा आ गया था जब मैं 9वीं क्लास में था, मैंने एक साल और पढ़ के जब 9वीं पास की फिर 10वीं में गया तो 10वीं भी फेल हो गया मैं। उसके बाद एक साल बाद फिर 10वीं पढ़ के फिर फेल हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी और घर में खाने के लिए भी तकलीफ हो जाता था। उस समय मैं मजदूरी करके अपने परिवार का थोड़ा बहुत परेशानी में हाथ बटा के जितना मुझे मिलता था, हफ्ते में मिलता था पैसा, तो मैं सब पैसा घर में दे देता था। यहाँ दोस्तों लोगों से मुझे पता चला कि आई लीड नाम का एक सेंटर है। जब मैं आई लीड में पहली बार गया, वहाँ पर एडमिशन लिया, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल का ट्रेड मिला था। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ हम लोगों को EDMI का भी ट्रेनिंग मिला था, जिसमें हम लोगों को सिखाया गया कि कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी दी गई। पहले से मैं अपना खुद बिजनेस या फिर खुद का कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी हालात ऐसी नहीं थी। भीमास आई चार्ज खुलने के बाद मेरे खुद की विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और बिल बुक मेरे खुद के नाम से बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ मेरे दुकान की पूरी ब्रांडिंग भी हो गई। साथ साथ ही मुझे एक जिम्मेदारी भी दिया गया, इसमें मुझे अपने गांव से आसपास के कोई भी किसी भी बच्चों को जो मैं सीखा हूँ आई लिट के थ्रू, उन बच्चों को सिखा सकूँ ताकि उनकी भी मदद हो सके, उन लोगों को भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ऐसा लगता है कि कोई सपना सच हो गया है। और जब से शॉप में मैं बैठा हूँ तब से कुछ न कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी लोग इम्प्रेस्ड हो रहे हैं।